नानी थी। गोपालपुर के एक छोटे से गांव में रमेश अपने बीवी और बेटे के साथ रहता है। रमेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिसके कारण उसके पास कोई अच्छी सी नौकरी नहीं है। परिवार का पेट पालने के लिए रमेश रिक्शा चलाया करता था। रमेश काफी गरीब था और उसका एक ही सपना था कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके। एक दिन रमेश अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे कुछ हलचल की आवाज आती है। उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसका बेटा सोहन उसके पैंट की जेब में कुछ ढूंढ रहा होता है। रमेश फौरन उठकर सोहन पर चिल्लाकर पूछता है, क्या कर रहा है तू? अपने पिता की आवाज सुनकर सोहन डर जाता है और कहता है, पापा वो मैं। सोहन अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तू चोरी कर रहा था? अपने पापा को चिल्लाता देख सोहन रोने लगता है। तेरी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी नहीं कर पाया? अरे ऐसे कौन से खर्चे हैं तेरे जिसकी वजह से अपने बाप की पेंट से पैसे निकालने पड़े तुझे? अरे मैं सुबह से शाम तक सिर्फ इसलिए मेहनत करता हूँ कि तुझे मैं किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचा सकूँ, और तू चोरी सीख रहा है तू। रमेश की ऊंची आवाज सुनकर उसकी बीवी सोनिया वहाँ पहुँची और कहती है, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे पूछ इस नालायक से, ये बताएगा। क्या हुआ सोहन, और तू रो क्यों रहा है? सोहन कुछ नहीं कहता, बस सिर नीचे किए रोता रहता है। ये अपने बाप की जेब साफ कर रहा था। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आपको कुछ गलत फहमी हुई है। तो पूछ इससे क्या कर रहा था ये, और अगर पैसों की जरूरत थी अरे तो मांग लेता। लड़का इतना बड़ा हो गया है कि मांगने में शर्म आती है। क्या कर रहा था बेटा? तो सोहन कुछ ना बोला। देख देख मुंह नहीं खुल रहा इसका, रंगे हाथों पकड़ा गया है ना। ऐसा क्यों किया बेटा, तुझे कुछ चाहिए क्या? और प्यार से पूछो, आरती उतारो इसकी। ये कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है और सोनिया सोहन से कहती है, बेटा क्यों चाहिए थे पैसे? मैं अभी नहीं बता सकता माँ। अरे अपनी माँ से क्या छुपाना, मैं हूँ ना, मैं पैसे दे दूंगी तुझे। नहीं माँ, इस काम के लिए मैं आपसे या पापा से पैसे नहीं लेना चाहता। ऐसा क्या काम है? मैं अभी नहीं बता सकता माँ। ये कहने के बाद सोहन वहां से चला जाता है। उसे रोकने के लिए उसकी माँ उसे आवाज लगाती है, पर सोहन नहीं रुकता। सोहन घर से निकल जाता है और चलते चलते सोच रहा होता है कि क्या करूं, आखिर कहां से 500 रुपए का इंतजाम करूं? मेरे पास वक्त भी तो कम है, अगर आज शाम 5 बजे तक पैसे नहीं मिले तो सब बेकार हो जाएगा। कैसे भी करके आज शाम से पहले पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। सोहन अपनी सोच में खोया होता है, तभी उसका दोस्त हरीश उसे आवाज देकर बुलाता है। सोहन तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई वैसे ही परेशान हूँ मैं, मुझे आज शाम से पहले 500 रुपए चाहिए और मुझे 500 रुपए कमाने हैं। अच्छा देख, एक तरीका तो है पर तू कर नहीं पाएगा। बता बता, मैं कर लूंगा। मेहनत का काम है भाई, जितनी भी मेहनत हो मैं कर लूंगा। अच्छा मार्केट चल, बताता हूँ। रमेश और सोनिया शाम को घर का कुछ सामान लेने जाते हैं और वो रास्ते में सोहन के ही बारे में बात करते हैं। क्या लगता है तुम्हें, सोहन पैसे क्यों ले रहा था? पता नहीं जी। तुम तो उससे बात करने वाली थी ना? हाँ पर उसने कुछ बताया ही नहीं, वो बोला कि कुछ काम करना है। तुमने कुछ पूछा नहीं कि क्या काम था? पूछा पर उसने बताया नहीं, वो बोला अभी नहीं बता सकता। अरे ऐसा क्या है जो बता नहीं सकता, कहीं वो किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया? नहीं जी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, किसी गलत काम में तो नहीं होगा। हाँ भरोसा मुझे भी है, पर ये दुनिया मासूम नहीं रही, हम गरीबों को ऐसे कामों में घुसा देती है जहाँ हम जाना नहीं चाहते। नहीं जी, आप बेकारी परेशान हो रहे, ऐसा कुछ नहीं। सही कह, मैं भी बिना जाने उसके ऊपर चिल्ला रहा था, वो चोरी कर रहा था क्योंकि मैं उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है जी, आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। वो दोनों आगे चलते हैं कि रमेश अचानक रुक जाता है। उसे देख सोनिया भी रुक जाती है और पूछती है, अरे क्या हुआ, क्यों रुक गए? वो देखो, इससे अच्छा कि मैं उसे पैसे निकालने देता। सोनिया देखती है तो चौंक जाती है
क्योंकि सोहन फैक्ट्री से भरे हुए बोरे ट्रक में चढ़ा रहा होता है। ये देखकर रमेश रोने लगता है और वो वहां से चला जाता है। सोनिया भी उसके पीछे चली जाती है। रुकिए जी, जब वो घर आएगा तो उससे बात करेंगे ना। क्या बात करेंगे? ये पूछोगे कि वो क्यों काम कर रहा है, क्योंकि उसका बाप उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाता? ऐसा नहीं है जी। सोनिया रमेश को समझाने की कोशिश करती है, वो एक नहीं सुनता, वो घर चले जाता है। रात का वक्त है, रमेश और सोनिया सोहन का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं? आता ही होगा, अभी परेशान ना हो। अरे कैसे परेशान ना हो? वो ये सब बातें कर रहे होते हैं तभी सोहन वहाँ आ जाता है और जोर से कहता है, हैप्पी बर्थडे माँ और पापा। सोहन की आवाज सुनकर रमेश और सोनिया चौंक जाते हैं। सोहन के हाथ में एक केक होता है और वो कहता है, याद है मैंने आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब है, तो आपने कहा था कि हमारा जन्मदिन 1 सितंबर को आता है और आज 1 सितंबर है, और मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा। तू हमारे लिए ये सब कर रहा था और मैं तेरे ऊपर इतना चिल्लाया, मुझे माफ कर दे बेटा। अरे पापा ऐसा कुछ मत कहिए, चलिए केक काटते हैं। और उसका पूरा परिवार मिलकर केक काटता है और खूब मस्ती करते हैं। देखिए बाबा का नया ढाबा पिट गया, लोगों से पैसे खाना पड़ा महंगा, बाबा के बर्तन बिक गए, बाबा को फ्री का पैसा नहीं पचा, और भी ना जाने क्या क्या। कोई भी बाबा को उसके हाल पर छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि जिसके पास न्यूज नहीं होती वो बाबा के पास चला जाता और न्यूज का इंतजार करता या खुद क्रिएट कर लेता। ये सब अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। हर रोज किसी न किसी को जवाब देते देते वो बूढ़ा आदमी अब थक गया था। कुछ दिन बाद वही पहला यूट्यूबर गौरव वसन उसी जगह पर बाबा से मिलने गया जहां पर उसने बाबा की पहली क्लिप बनाई थी। बाबा खुशी के मारे रो पड़ा और गौरव के पैरों को हाथ लगाकर बोला, अगर ये बच्चा ना होता तो मैं आज यहां ना होता। गौरव ने कहा कि अगर बाबा ना होता तो आज मैं भी इतना फेमस ना होता। ये सब एक अच्छे अंत पर खत्म हो गया, लेकिन अब क्या, न्यूज खत्म, सब खत्म, तो नए लोगों ने वहां पर फिर जाना शुरू कर दिया और बुरा भला कहकर बाबा का रिएक्शन निकलवाने की कोशिश की। इतना सब होने के बाद ये सब मानसिक रूप से संभाल नहीं पाया और एक दिन उसने नींद की गोलियां खा ली और अपने आप को मारने की कोशिश की। बाबा अस्पताल में भर्ती हो गया जहां उसको डॉक्टर्स ने बचा लिया। बाबा तो अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन हमारे हिसाब से खतरा उन लोगों से हमेशा बना रहेगा जो जानबूझकर बिना किसी चीज की परवाह किए उस बूढ़े आदमी से कुछ भी बुरा भला कह देते हैं। बात यहां बाबा कांता प्रसाद की नहीं है, बात मानसिकता की है। हम सबको अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान नहीं करना चाहिए, भले ही वो नुकसान शारीरिक